उत्तर प्रदेश के बेलगाम अपराधियों के संगम नगरी इलाहाबाद में एक नामी सर्जन अश्विनी बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने केबिन में घुसकर डॉक्टर की हत्या की है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया है। इलाज के दौरान डॉक्टर बंसल की मौत हो गई है। डॉक्टर बंसल की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। डॉक्टर की हत्या के विरोध में आज इलाहाबाद के सभी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वाराणसी में 11 बजे का टाइम है जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA की बैठक है, जिसमें एक दिन की हड़ताल का ऐलान भी हो सकता है। इलाहाबाद का ये वही जीवन ज्योति अस्पताल है जहां बीती रात मशहूर सर्जन अश्विनी कुमार बंसल का मर्डर किया गया। कुछ अज्ञात हमलावर कैबिन में घुसे और डॉक्टर को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावर मरीज बनकर आया, अंदर जाकर उसने पिस्टल सटाकर डॉक्टर बंसल को 2 गोली मार दी और पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी फैल गई। हम लोग चैम्बर में बैठे हुए थे, 11 नंबर चैम्बर में, तो वहाँ पे बातचीत चल रही थी। तब से ताड़ ताड़ की आवाज़ आई, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर ताड़ ताड़ की आवाज़ आई, फिर गौर किया, फिर हम बाहर निकले 11 नंबर से, तो देखा तो उधर कुछ नहीं था। फिर चैम्बर से लड़का आदमी बाहर आया कि बोला गोली मार दिए। फिर हम चैम्बर में जब पहुँचे तो देखे डॉक्टर साहब गिरे हुए थे। बताया जा रहा है कि गोली उनकी कनपट्टी, कंधे और सिर में लगी है। गंभीर हालत में उन्हें पहले उनके हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया, फिर वहां से मेडिकल चौराहे के पास मौजूद कृति स्कैनिंग सेंटर ले गए। वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोई व्यक्ति अंदर घुसा है और जो डॉक्टर बंसल थे इनको गोली मारी है। इनके रूम के अंदर आए थे, जो अभी तक जानकारी है, इनके रूम में आए थे, रूम में ब्लड स्टेन भी हैं और कनपट्टी के पास गोली मारी है। डॉक्टर बंसल को सरकार से सम्मान तक मिल चुका है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर बंसल का शहर के एक जाने माने बिल्डर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अभी 3 महीने पहले ही डॉक्टर बंसल पर बम से हमला हो चुका है, उसमें भी इसी बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। ये भी बता दें कि डॉक्टर बंसल के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर श्री AK बंसल साहब पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई है। हमें विश्वास है कि इस घटना का अनावरण करके सही मुलजिमों को न्याय के सामने लाया जाएगा। डॉक्टर बंसल पर किसने हमला किया और किस मकसद से किया, ये तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन इस वारदात से इतना तो साफ है कि यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। दिनेश सिंह, इलाहाबाद, India 24। दिनेश सिंह, हमें अपडेट देंगे, अभी तक का अपडेट क्या है दिनेश, क्या कार्रवाई इस मामले में? लेकिन यार का अभी तक की अगर बात करें तो पुलिस अभी भी पड़ताल की बात कर रही है। उसका कहना है कि उसके पास कुछ CCTV फुटेज है, इसके अलावा सर्विलांस में जो नंबर लगाए गए हैं उसकी कुछ जानकारी है, और इसके अलावा जो पुराना रिकॉर्ड है जो उनके पर मुकदमे थे, अब जिन लोगों से अदालत चल रही थी, उन सारे डिटेल्स को जुड़ा आपस में जोड़ करके कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने गोली मारी वहां तक पहुंचने की। अपडेट ये भी है कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के जितने सारे डॉक्टर्स हैं वो आधे घंटे बाद यहां पर एक आपात बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद वो एक दिन की स्ट्राइक का फैसला कर सकते हैं। इसका संकेत उन्होंने कल लिया था। इसके अलावा 11:30 बजे के आसपास डॉक्टर बंसल का जो पार्थिव शरीर है वो गंगा किनारे जाएगा और वहां पर उनका जसूलाबाद घाट में संस्कार किया जाएगा। तो अभी पुलिस की बात अगर कहें तो पुलिस सिर्फ कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और किसी निष्कर्ष पर फिलहाल अभी तक नहीं पहुंच पाई। अपडेट देने के लिए शुक्रिया।